हाय दोस्तों, स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड कुर्ती को फिटिंग कैसे दें। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आप इस बेल पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले मेरा मैसेज मिल जाएगा। जैसे आप रेडीमेड कुर्ती परचेज करते हैं तो उसका शोल्डर डाउन रहता है, प्लस चेस्ट ज़्यादा रहता है, जो ये सीट का कट है ये ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपको सीट का कट है 12 इंच और ये हमने जो रेडीमेड परचेज किया है इसका है 15.5 इंच, तो हमको 12 इंच चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना है तो वो आज मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से फिटिंग करनी है। जैसे स्लीव है, अब इसकी लेंथ हमको चाहिए 16 इंच और इसका लेंथ है 18.5 इंच। जैसे आपको 16 इंच करनी है तो आप किस तरीके से करते हैं, एक ऑप्शन होता है कि आप नीचे से कट करते हैं। अगर आप नीचे से कट कर देंगे, जैसे कि आपका ये जो राउंड है हैंड्स का वो लूज रहेगा, तो आप इतना लूज है इसको टाइट करेंगे फिर भी फिटिंग नहीं आएगी, तो बेहतर रहेगा। जैसे ये शोल्डर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे इसको। रिमूव करने के बाद फिर इसकी कटिंग करके इसको शेप देंगे। जैसे कि चेस्ट भी इसका ज़्यादा है, साइज है हमारा 36 इंच और जैसे हमने ये परचेज किया है तो इसका साइज है 42 इंच, तो हमको 36 इंच का चाहिए। तो उसके लिए अगर हम यहाँ से टाइट कर देंगे तो हमारा आर्म होल टाइट हो जाएगा, उसके लिए हमको इसको रिमूव करना है। जैसे वेस्ट हमारा ज़्यादा है तो इसको भी कम करना है, सीट भी ज़्यादा है उसको भी कम करना है, तो हम इसको पहले रिमूव करेंगे फिर इसको कटिंग करके इसकी शेप देंगे। जैसे कि शोल्डर है, शोल्डर इसका करेक्ट है 15 इंच है, लेकिन हम जो ये आर्म होल है इसको रिमूव करेंगे, हैंड्स को यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके फिर इसकी साइज करेंगे। तो हम इसको पहले रिमूव करते हैं। जैसे कि मैंने इसको कुर्ती को उल्टा कर दिया है, जो इसका स्टिचिंग है आप देख सकते हैं इसकी कटिंग भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये कटिंग ऊपर नीचे सेम आ रहा है, हमको इस तरह नहीं चाहिए। तो हम इसको पहले स्टिचिंग को निकाल देते हैं। हमने ये निकाल दिया है, जैसे हमने इसको स्लिप को निकाल दिया है, और सेम हम दूसरा साइड का स्लिप निकालेंगे। और जो ये सीट है तो हम इसको फर्स्ट टाइम कट नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे, जिससे कि हम जब स्टिचिंग डालेंगे फिटिंग देंगे तो वो शेप करेक्ट आ जाएगी उससे। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसमें हम बाद में फिटिंग देने के बाद इसको कट कर देंगे। जैसे कि मैंने सीट को यहाँ से रिमूव कर दिया, सेम है दूसरा साइड भी, जैसे दोनों साइड रिमूव कर दिए और सेम में ये स्लिप को भी करूँगी। जैसे कि मैंने स्लीव को रिमूव कर दिया है और यहाँ से भी ओपन कर दिया, सीट भी ओपन कर दिया, मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। अब ये दोनों आगे पीछे के हिस्से हो गए फोल्ड फोल्डिंग में, तो ये शोल्डर से हम शोल्डर इस तरह से मैच करते हुए, और जो सीट का साइज है वो सीट का भी सेम रखेंगे। जैसे हमने इसको सेम फोल्ड कर लिया है, अब जो साइज है उसका हम पॉइंट देते हैं। जैसे हमारा 36 साइज है तो हम 9 इंच रखना है फोल्ड फोल्डिंग में। अभी जैसे इसमें कमर का हमको शोल्डर से लेना है,
जैसे हमारा कमर का पॉइंट है 14 इंच, तो हमने 14 इंच पर पॉइंट दे दिया है। अब यहाँ से हम इसका जो साइज लेंगे, जैसे कि हमारा साइज है 32 इंच, तो हम 8 तैयार में लेंगे और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जो हमारे ये मुड्डे हैं, यहाँ से हम सीट का पॉइंट देंगे। जैसे हमको 12 इंच रखनी है, तो हमने यहाँ पर 12 इंच पॉइंट दे दिए। जैसे हमारा सीट है 37 इंच, तो जब हम स्टिच करेंगे तो ये 8.5 इंच रखेंगे हम, और इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। जो हमारा ये तैयार साइज है, ये तैयार साइज आएगा इस तरह से। और जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया, इसको जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम कट कर देते हैं। जैसे आम मोल थोड़ा कम लग रहा है, जैसे हमने ये रिमूव कर दिया, यहाँ से टाइट कर दिया, तो इसको भी हम डाउन में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कटिंग दे दिया यहाँ पे। जो हमने पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, हम एक कट दे देंगे, जैसे कि जब फिटिंग करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। जैसे हमने इसकी कटिंग साइज के हिसाब से कर दी, आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है। जैसे कि फ्रंट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं, तो हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देनी है। तो उसके लिए हम इस दोनों पीसों को, आगे के पीसों को इस तरह से शोल्डर से मैच करते हुए यहाँ पर हम पॉइंट दे, जैसे शोल्डर पे स्टिचिंग है, यहाँ से हम इस तरह से गुलाई देंगे इसमें। जैसे हमने इसमें गुलाई दे दी है, तो गुलाई देने के बाद ये इस तरह से आ रहा है 1/2 इंच। अब इस तरह हम स्लीव की फिटिंग देंगे। शोल्डर का सेंटर करते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ से जैसे हमको 16 इंच चाहिए स्लीव की लेंथ, और 1/2 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे 6.5 इंच। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको हम कट कर देते हैं, और जो ये बॉर्डर है यहाँ से रिमूव करके फिर इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मुड्डे की शेप थोड़ा कम है, तो हम इसको ज़्यादा करते हैं डाउन से। हम जो हमारा ये मुड्डे की ऑलरेडी कटिंग हो चुकी है, तो वहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे। जैसे कि स्लीव में भी 1/2 इंच हमको जो फ्रंट पीस आएगा उसमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग देनी है, तो हम इसमें एक मार्क लगा देते हैं, जिससे कि हमको मालूम पड़ेगा जब हम स्टिच करेंगे कि 1 साइड एक्स्ट्रा लिया है हमने। और जो स्टिचिंग है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे स्लीव को मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि हम जब बॉर्डर लगाएंगे तो उसके रिमूव करने से करेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आगे पीछे रहेगा। और जो हम अभी ये, जैसे हमने ये सीधा रखे हैं दोनों पीस, अब इसको हम इस तरह से दोनों पीसों को उल्टा रखते हैं। जैसे कि हमने दोनों साइड में क्रॉस का निशान लगा दिया था उल्टे का, अब इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देते हैं आगे की तरफ। जैसे हमने आगे की तरफ ये एक्स्ट्रा कटिंग दे दी है, तो ये इस तरह से आएगा। और जो हमारा कुर्ती का एक्स्ट्रा कटिंग है वो इस तरह से है। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो जितने भी एक्स्ट्रा कटिंग हमने आगे दी है दोनों पीसों में, वो दोनों पीसों की इस तरह से यहाँ पर फ्रंट में आएगी। और जो हमने कम कट किया था ये इस तरह से बैक साइड में जाएगा और ये फ्रंट में आएगा। और जो हमने अभी बॉर्डर कट किया है इसको भी रिमूव करते हैं इसके ऊपर स्टिचिंग करने के लिए।
में बॉर्डर भी रिमूव कर लिया है, और जब हम इसको अटैच करेंगे तो इसके ऊपर मोहरी में इस तरह से अटैच करेंगे, तो आप देख सकते हैं स्लीव का लुक अलग आएगा इस तरह से, और जब अटैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो अभी जो हमने कटिंग कर लिया है इस पर हम फिटिंग का पॉइंट दे देते हैं। जैसे हमारा 36 साइज है तो हमने 18 इंच लिया है। और कमर है 32 इंच तो हम 16 इंच लेंगे। सीट है 37 इंच तो हम इसको 18.5 इंच लेंगे। जैसे हमने ये निशान लगा दिए, अब इसकी स्टिचिंग बताते हैं। जैसे ये स्लीव है हमने यहाँ पर कट कर दिया, और जो बॉर्डर है अब इसको अटैच करेंगे तो इसको हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो बॉर्डर है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। जैसे हम बॉर्डर कंप्लीट कर दिए हैं, अब इसकी फिटिंग देंगे तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। ये 10 इंच तो मैं 5 रखूंगी डबल में। जैसे ये स्लीव तैयार कर लिया, इसी तरह मैं दूसरा स्लीव भी तैयार करूंगी। जैसे दोनों स्लीव तैयार कर लिए, दोनों में बॉर्डर लगा दिया और बॉर्डर लगा के सेम फिटिंग में तैयार कर लिया। अभी जो हमारा कुर्ती है उसकी फिटिंग देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, ये हमने निशान दे दिया, सेम फिटिंग पर स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हम वन साइड डाल दिए, इसी तरह मैं दूसरा साइड भी डालूंगी। जैसे हम टू साइड स्टिचिंग डाल दिया है, अभी जैसे हमको सीट तैयार करनी है, तो जैसे ये ओपन है यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं, जैसे स्टिचिंग है यहाँ पर हमने रिमूव नहीं किया है इसको, तो अभी इसको हम इस तरह से कुर्ती को रखेंगे दोनों पीसों को ऐसे खोल के। और जैसे नॉर्मल कुर्ती में फिटिंग करते हैं साइड में सेम करना, तो जो हमारे यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, तो हमने ये फोल्ड कर दिया। जो हमारे ये स्टिचिंग आ रहा है ये भी सेम फोल्डिंग में नीचे तक आएगा। जैसे कि मुझे नीचे में स्टिचिंग नहीं डालनी थी, मैंने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया है। अब जैसे दूसरा साइड डालना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा ये आगे पीछे दोनों साइडों में एक साथ आ जाएगा।
जैसे अभी साइड स्टिचिंग डाल दिया, तो आप देख सकते हैं एकदम करेक्ट आ रहा है। ये ऊपर से नीचे तक पूरा इस तरह से सेम, दूसरा साइड भी। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे, तो अभी इसको उल्टा करते हैं। जैसे अभी अब स्लीव अटैच करना है, तो जैसे ये ज़्यादा कटेंगे और ये फ्रंट में भी ज़्यादा कटेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। ये जो हमारा ये फिटिंग है सोलर, ये इसका आर्म होल का, और ये साइड फिटिंग है, तो इसको हम इस तरह से मैच करते हुए राउंड में स्टिचिंग डालेंगे। हमने स्लीव अटैच कर लिया है, तो ये इस तरह से आ रहा। सेम हम दूसरा साइड भी स्लीव अटैच करेंगे। दोनों स्लीव अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद ये इस तरह से आएगा, और ये हमारे साइज के हिसाब से फिटिंग कंप्लीट है। तैयार होने के बाद इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।